हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे और मन से अपनी पूरी लगन से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज आपके लिए कुछ ज़रूरी बातें करूंगा मैं, जैसे कि आपको पढ़ाई को लेकर के और आपके नोटिफिकेशन को लेकर के। उससे पहले मैं आपको कुछ दो तीन ज़रूरी बातें बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो ज़रूरी बात आपके लिए ये है कि अपना एक टेलीग्राम वो चैनल है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसको एक बार ज्वाइन कर लिए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि उस पर मैं जैसे कोई अपडेट होती है ना, तो वो तुरंत डाल देता हूँ, या मैं अपनी कुछ एक प्लान बना रहा हूँ कि जैसे आपके लिए कुछ जो जरूरी जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो ना, जैसे किसी सब्जेक्ट के हैं या कुछ पढ़ाई से रिलेटेड हैं, तो मैं उनको वहाँ डाल दिया करूँगा। ठीक है, तो पहले तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और दूसरी बात यह है कि आपको सभी को कमेंट करके ये बताना है कि आपको अपनी किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो जिसके ऊपर मैं आपको कुछ सलाह दे सकूं। अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है, किस तरीके से आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने में दिक्कत आ रही है। और तीसरा काम आप ये भी कर सकते हो, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अब चलिए बात शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आप अब इस समय इस तरीके से तैयारी करिए कि ये जो आपका समय चल रहा है, इस समय ये आपकी बिल्कुल एक रणनीति बना करके तैयारी करने का समय चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपको इस बार ना सिलेक्शन लेना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच है। जब आप संघर्ष करते हैं ना, जब हम सब संघर्ष करते हैं, चाहे आप हो या मैं हूँ, अगर हम किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे संघर्ष को ना कोई नहीं देखता है, ना हमारी मेहनत को कोई देखता है। अगर हमारा कुछ कोई देखता है तो हमारा सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। और अगर जिस दिन रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है ना, तो कहते हैं कि हाँ, इसने तैयारी करी थी अच्छे तरीके से मन से। चाहे अगर नहीं आए, चाहे फिर भी करी थी, लेकिन उसको ना सब तभी मानेंगे जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो वो काम कैसे होगा, जब तक आप अपनी लगन से मन से तैयारी नहीं करेंगे, अपने माइंड में ये सोच करके, सकारात्मक सोच करके कि मेरा सिलेक्शन इस बार होगा। क्योंकि अगर आपने सोच लिया ना, तो ही वो काम हो पाएगा। मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि जो हम सकारात्मक सोचते हैं ना, उसका परिणाम भी सकारात्मक ही होता है। और कुछ आपके ऐसे होंगे जो जानने वाले मिलने वाले, कि उनको ये लगता होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आपको ये करके दिखाना है कि देखो मैं भी ये कुछ कर सकता हूँ। लेकिन वो कैसे पता चलेगा पता है, वो आपका संघर्ष नहीं देख रहे आप कितना पढ़ रहे हैं, वो आपके रिजल्ट को देखेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, जिस दिन आपका नंबर आ जाएगा ना, उस दिन लोग आपसे कुछ तो ऐसे होंगे जो पूछेंगे भी नहीं कि भाई नंबर आ गया था, पहले ही चुपचाप जो PDF है ना, उसको डाउनलोड करके देख लेंगे, यार इसका नंबर आया या नहीं आया। जब देख के एक साथ चौंक जाएंगे, अरे यार इसका तो नंबर आ गया। तो वो पलना मतलब बड़ा ही अजीब होता है। आप उस पल के लिए पढ़ो कि जो आज हमसे ये कह रहे हैं ना कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उनको भी ये अपने अंदर चुपचाप अपने अंदर ये चीज़ फील हो जाए कि यार हम तो ऐसे सोचते थे इसका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन इसका सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से इन चीज़ों को सोच करके और ढंग से एकदम मन से लगन से तैयारी करिए। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, कई वीडियो में ये कही है, मैंने आपसे कभी भी ये नहीं कहा कि 10 घंटे लगातार डेली पढ़ो, 8 घंटे लगातार डेली पढ़ो या 12 घंटे पढ़ो। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ, आप जितना आपके पास जो भी समय हो, सारा का सारा समय पढ़ाई को दो। घर का काम भी कोई नहीं छोड़ना, जैसे मम्मी पापा ने कोई काम बताया कोई जरूरी, आपको वो भी करना है। ठीक है, दूसरी बात, आपके पास पढ़ाई के अलावा और है ही क्या। ठीक है, आपको जितना भी जो समय है वो पढ़ाई पर देना है। मैंने आपसे कभी घंटे नहीं बताए, बस मैं आपसे इतना कहता हूँ कि भले ही आपके घंटे कुछ कम हो जाए, लेकिन रेगुलर होने चाहिए। रेगुलर से ना हमारे चीज़ दिमाग में एक माइंड सेट हो जाता है कि हमको पढ़ना है, हमको पढ़ना है। आप टाइम सेट नहीं करेंगे ना, फिर भी आपका जो टाइम सेट कर रखा है ना आपने, वो कम होगा, फिर भी बढ़ता चला जाएगा अगर आप डेली पढ़ेंगे तो। अब बात करते हैं हम नोटिफिकेशन के ऊपर। देखिए, नोटिफिकेशन की ऐसी बात है, आप में से कुछ भाई बहनों के दिमाग में ये वहम है कि जो टेंडर जारी किया गया था उसकी जो लास्ट डेट थी वो थी आपकी 25 अगस्त। ठीक है, 25 अगस्त लास्ट डेट थी। सबसे पहले तो पॉजिटिव पॉइंट यही था हमारे लिए कि इस बार जो डेट आई है वो बहुत जल्दी की डेट आई है, तो इससे हमारे दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि इस बार कुछ ना कुछ बढ़िया होने वाला है और बहुत जल्दी होने वाला है। तो एक तो ये पॉजिटिव पॉइंट रहा। दूसरी बात यह है कि नोटिफिकेशन को आप इतना भी मत लीजिए कि जैसे इन्होंने 25 अगस्त दे दी लास्ट डेट, जो उसकी नोटिस जारी किया गया था टेंडर के लिए, तो ऐसा नहीं कि आपकी जो अगस्त लास्ट तक या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपकी अगस्त भी निकल जाएगी और आपका सितंबर भी निकल जाएगा। ठीक है, आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा। बहुत कम चांस है कि आपका अक्टूबर से पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर अक्टूबर में भी आ रहा है, तो अक्टूबर कौन सा 4-6 साल बाद में है, अक्टूबर कौन सा 4-6 साल बाद में। अगर आप अभी से इन चीज़ों को सोचने चालू कर देंगे कि हम तभी चालू करेंगे जब हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो भैया फिर कुछ नहीं होने वाला है। फिर अगली वैकेंसी के लिए यूट्यूब पर खोजना कि अगली वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, बात थोड़ी सी कड़वी हो सकती है लेकिन सच्चाई यही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करके इस चीज़ें कह रहा हूँ कि ये चीज़ आपको दोबारा नहीं मिलेगी, इतनी वैकेंसी देखने को। आपको पता है, आपने
एक चीज़ खुद सोच के देखिए कि आपने कभी सोची थी कि मतलब यार 55,000 प्लस 57,000-58,000 वैकेंसी आपके यूपी पुलिस में आएंगी। दूसरे राज्यों से आप अपनी तुलना करके देखिए, दूसरे राज्यों में जितनी वैकेंसी कॉन्स्टेबल की नहीं आती उससे आप ज़्यादा तो यहाँ आपके यूपी में एसआई की निकल चुकी है वैकेंसी। और इतनी जो आप देख रहे हो यहाँ इतनी कहीं वैकेंसी आती है क्या कॉन्स्टेबल में जितनी आपको इस बार देख रहे हो? और कहीं की छोड़ो, आपको खुद अपने इस राज्य में भी देखने को नहीं मिलेगी इतनी वैकेंसी, ठीक है? तो इसलिए आप अपनी अच्छे तरीके से मन लगा करके तैयारी करिए। और आपका अगर कुछ भी कोई डाउट है, कुछ भी कोई बात है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप हिंदी और रीजनिंग पर विशेष ध्यान दें, इस बार आपको वर्दी लेनी है। जब आपका ये जो सिलेक्शन हो जाएगा ना, और उसके बाद जब आप अपनी फ़ोटो देखेंगे ना, या आपके जो घर वाले जो वर्दी में आपकी जो फ़ोटो देखेंगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, जो आप इस समय मेहनत कर रहे हैं ना वो आपको बहुत कम लगेगी, बहुत कम लगेगी। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं ना उससे भी ज़्यादा आपको बहुत कुछ देगी, मान सम्मान पैसा सब कुछ देगी ये जो वर्दी है। लेकिन वो होगा कैसे? वो होगा तभी जब आप मेहनत करेंगे, आज आप लगन से पढ़ेंगे, इस टेबल पर अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे, ठीक है? ये जो किताबें हैं ना यही हमारा भविष्य संभालेंगी। और कोई भी ऐसी जगह नहीं है यार दोस्त के हमारे कहीं घूमने फिरने से हमें कुछ मिल जाए, कुछ नहीं होने वाला है। जो भी आपका होगा वो इन किताबों से ही होगा। अब यार इसमें जब कूद ही पड़े हम, तो इसमें से तभी निकलना जब आपको वर्दी मिल जाए, ठीक है? तो फिलहाल बस मुझे यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। अच्छे तरीके से मन लगा करके पढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।